अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आखिर आज से दो दिन का वीकेंड कर्फ्यू लगाया ही गया। क्या आप जानते हैं ये वीकेंड कर्फ्यू महज हुकूमत के दबाव में अवाम पर थोपा गया, जबकि अवाम किसी तरह से इस कर्फ्यू के लिए तैयार नजर नहीं आ रही। आज हमने कईयों से वीकेंड कर्फ्यू पर बात करने की कोशिश की, लेकिन अवाम ने हुकूमत के इस फैसले से नाराजगी का इजहार करते हुए मजदूर, किसान, ऑटो ड्राइवर, सड़क पर ठेले लगाने वाले छोटे ताजिरों की रोजी रोटी पर असर होने की बात कही। और ये भी सच है कि कुछ सियासी कायद अवाम में डर खौफ फैलाने की गुफ्तगू करता वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें लॉकडाउन के जरिए कैसे अवाम में खौफ का माहौल फैलाने की बात करते देखा जा रहा। आखिर इसके पीछे क्या वाकई ओमिक्रॉन ही है? क्या कोरोना के मरीज ना बढ़े इसके लिए फिर लॉकडाउन भी जरूरी है, जैसे सवाल भी अवाम करती देखी जा रही है। कहीं तो अभी इतना जरूर है कि हुकूमतों के इस फैसलों पर अवाम में जबरदस्त नाराजगी है, जबकि सबसे ज्यादा मरीज होने की बात महाराष्ट्र में कही जा रही है, लेकिन किसी तरह का वीकेंड कर्फ्यू नहीं लगाया गया। कुछ लोगों ने वीकेंड कर्फ्यू पर बताया कि हुकूमत गरीबों का तो सोचती भी नहीं है, पर रात का कर्फ्यू और अब वीकेंड कर्फ्यू से क्या हासिल करना चाहती है समझ में नहीं आता। कोरोना का माहौल बनाने के लिए पहले अमीर सेलिब्रिटीज, सियासी लीडरों को पॉजिटिव बताया जाता है, टीवी मीडिया पर खूब खबरें चलाई जाती है, फिर स्कूलों को बंद किया जाता है ताकि वालिदैन भी डर खौफ के साए में आ जाए। आज बेलगाम शहर में रात का कर्फ्यू जारी किया गया। इससे पहले भी हमने कहा था कि बीमारी से किसी को इनकार नहीं है, पर क्या गरीब ही इसकी कीमत चुकाता रहे? क्यों ना हुकूमत इस तरह बंद का ऐलान करने से पहले दो दिन का राशन या रुपये गरीब मोहल्ले में पहुंचाए। पहले ही खस्ता हालत से अभी संभलता मजदूर फिर इस तरह दो दिन के फाकों पर लाखड़ा करना कितना सही है। पिछले लॉकडाउन में हमने देखा है कि किस तरह बेरहमी से आवाम को मारा गया पुलिस की जानिब से, और कितने तकलीफों से आवाम को जिंदगी गुजारनी पड़ी। बेलगाम शहर और अतराफ का हिस्सा गरीब मोहल्लों से भरा हुआ है। मामला महज दो हफ्ते का कहा जा रहा है, मतलब चार दिन तक लॉकडाउन रहेगा। सवाल ये उठता है कि आखिर किस बुनियाद पर फैसले लिए जाते? कुछ लोग तो कहते हैं ये 2025 तक कोरोना का दौर रहेगा, फिर क्या इसी तरह से मुल्क, रियासत, शहर को गरीब और मुफलिस बना दिया जाएगा? दिल्ली के केजरीवाल हुकूमत ने पहले वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया, फिर कर्नाटक और दीगर कुछ रियासतों में इसी तरह का माहौल देखा जा रहा है। क्या कर्फ्यू ही इसका आखिरी हल? क्या आवाम को सख्त हिदायत के जरिए बाजार को खुला नहीं रखा जा सकता? क्योंकि अमीर सियासी लीडर तो एसी कमरे में बैठकर फैसले लेते हैं, पर गरीब जो फुटपाथ पर बैठकर दो वक्त का जुगाड़ कर घर लौटता है तो छोटे बच्चे घर में इंतजार करते रहते हैं, और ऐसे सैकड़ों लोग रियासत में है। क्या कभी इन लोगों का लाल बत्ती में बैठकर घूमने वालों ने सोचा है? कुछ लोग दरमियानी क्लास के हैं, जिसे मिडिल क्लास कहा जाता है, जो बाहर से तो अच्छे नजर आते हैं, लेकिन इनकी भी मईशत टूट चुकी है, कर्जे में डूबे हुए हैं। पिछले दो लॉकडाउन ने तो लोगों को खुदकुशी करने की कगार पर ला खड़ा किया हुआ है। ये बातें इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि इसी तरह फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ाया जाता है और आवाम खामोश जो हुक्म मेरे आका की तरह घरों में बैठ जाती है। क्या कर्जे वाले खामोश बैठते हैं? क्या घर का मालिक किराया नहीं लेगा? लिहाजा जितना शुरुआत में मामूली लगता है, आगे आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। हुकूमतों से हमें अपील करनी पड़ेगी, क्या आवाम पर सख्तियां बरती जाए, कानून को लगाया जाए, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर वगैरह पर जोर दिया जाए, लेकिन लॉकडाउन करने से रोकना होगा। वीकेंड कर्फ्यू को भी वापस लेने पर मजबूर करना होगा, क्योंकि आज भी कई मकानात होंगे जहां कल सुबह के नाश्ते का सवाल खड़ा होगा। दोपहर के खाने की भूख अभी से सता रही होगी। हुकूमतों को, अमीरों को इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि कुछ लोग तो महंगी गाड़ियों में पिकनिक के लिए निकल पड़े होंगे। लिहाजा जरूरत है आने वाले परेशानियों के मद्देनजर हुकूमत से सवाल किया जाए। जब तीसरी लहर खतरनाक नहीं होगी कहा जा रहा है, तो फिर आवाम के ही हवाले किया जाए। वैसे भी तकरीबन लोगों ने वैक्सीन तो ले ही लिए, फिर डरने की क्या जरूरत है? और अगर दो डोज के बावजूद भी ओमिक्रॉन होने वाला है तो फिर वैक्सीन पर इतना जोर क्यों? पहले तो आप ही कहते हो कि वैक्सीन आपकी मर्जी से लेनी है, फिर आप इस तरह का माहौल बनाते हो कि इसके बगैर किसी को कहीं पर आने जाने भी नहीं दिया जाता, हर जगह पर वैक्सीन सर्टिफिकेट पूछते हो। अब तो स्कूल कॉलेज में भी वैक्सीन को जरूरी करार दिया है और लोग ले भी रहे हैं। हुकूमत के हर फैसले पर सर तस्लीम खम करती आवाम को देखा जा रहा है, फिर वीकेंड कर्फ्यू की जरूरत क्यों? महज एक तबका है जिसे इस तरह के कर्फ्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बड़ा तबका जो गरीब है, कमजोर है, जरूरतमंद है, अगर हर रोज भीख मांगकर खाने वालों की तादाद का ही अंदाजा लगा लिया जाए तो लाखों में है। अगर कौन जिम्मेदार जो भी हो, इस तरह के फैसलों पर हुकूमत को दोबारा सोचने की जरूरत है और आवाम को भी सवाल पूछने की आदत होनी चाहिए। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। इसमें कोई दोराय नहीं, दहशत जबरदस्त है और इसके लिए एक आदेश तो आज जारी होना ही चाहिए। स्कूलें तो बंद करनी चाहिए,
ये स्कूलों में जैसे ही बंद होगी लोगों में दहशत भी बढ़ेगी, लोग आप जो चाहते हैं कि बिहेवियर करें वो सब मानेंगे, आपका प्रोटोकॉल जो भी लागू करोगे, क्योंकि वास्तव में दहशत है और ये बच्चों से ही ज्यादा फैलता है। जैसे ही स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी एक बार सिर्फ चाहे 7 दिन ही आप बंद करो, तो लोगों को ये पता चलना चाहिए गवर्नमेंट कितनी सीरियस है, गवर्नमेंट ने बड़ा एक्शन लिया है, क्योंकि सुबह ऑटो बस सब साधनों में आपको बच्चे भरे हुए मिलेंगे एक एक ऑटो में। तो क्या करना कि आप क्या कहते हैं स्कूल बंद करने चाहिए, बंद करने चाहिए स्कूल, बंद करने चाहिए अभी, बंद अभी चालू है फिर भगवान जी। अभी विंटर वेकेशन चल रहा है सर, 3 तारीख से प्रारंभ होने वाले थे सर, मतलब अभी छुट्टियां चल रही है और 3 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है। स्कूल 3 तारीख नहीं खोला आपका मतलब? मेरा मानना ये है स्कूल अभी 10-7 अभी बंद है, छुट्टी है अभी, तो अभी 3 दिन बाद खुल जाएंगे सर, 3rd से खुल जाएंगे फिर से। 3 तारीख हाँ सर, तो बंद अभी तो बंद है, पर सर आगे बंद करना चाहिए एटलीस्ट 15 दिन के लिए तो करना ही चाहिए सर। स्कूल बंद करने से एक हुक्म क्या होता है, जैसे ही आप स्कूल बंद करते हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी या सकती हो, या भीड़ ज्यादा सब ज्यादा इन्हीं जगहों पर है, और एक बार आप रेस्ट्रिक्ट करोगे तो लोग आपका जो आदेश जाएगा उसमें उस लोगों में डर भी है, ऐसा नहीं है डर नहीं है, डर है। मान लीजिए जैसे ही ये शुरू हुआ, रोज अखबार में खबर आती है, टीवी पर आती है, तो मैं भी जैसे भीड़ में रोज मिलता हूं, अभी सुबह मिल रहा था तो खुद लगा लूंगा मास्क, डर तो सबको लगता है कहीं हो नहीं जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। तो इसमें प्रताप सिंह जी फिर अभय कुमार जी कोई हमें थोड़ा असेसमेंट कर रहे हैं कि जैसे पंजाब ने किया तनख्वाह रोक दी, अपन वो नहीं कर रहे हैं, कई लोगों ने एंट्री मॉल वगैरह में एंट्री बंद कर दी है बिना वैक्सीन के, उसी ढंग से आपको ये फैसले करने पड़ेंगे। वही स्कूल के बच्चों की स्कूल अगर बंद करनी है तो वही बाद में खुलेंगे, तब भी उनके माँ बाप का भी वैक्सीन होना जरूरी है, ये कुछ आपको फैसले करने पड़ेंगे। जी सर, तब जाके लोग मानेंगे, फिर थोड़ी कड़ी तो करनी पड़ेगी। देखो एक बात समझानी पड़ेगी लोगों को, जैसे आप ये मान लीजिए आपको मैं तो नहीं लगाऊंगा, आपको अधिकार नहीं मना करने का कानून के हिसाब से, क्योंकि आप खुद संक्रमित हो, आपको नहीं मालूम पड़ रहा, आप एसिम्प्टोमेटिक हो, आप जहां जा रहे हो आप फैला रहे हो, अपने परिवार में भी बाहर भी फैला रहे हो, इसे आपको अधिकार नहीं किसी इंसान को क्या मैं तो नहीं लगवाऊंगा भाई, कानून की सर मेरी ख्याल क्या अभी कुमार जी सर, वो जो हमने एग्जामिन कर लिया सर, मेघालय हाई कोर्ट का एक फैसला भी था, उसके अनुसार जो भी प्रावधान कर सकते हैं हम कर देंगे सर। हाँ जी सर, मेरा मतलब कि ये जो है ना हमें दबाव देना पड़ेगा लोगों के ऊपर, क्योंकि अपनी फैलता बहुत ज्यादा है। तो बोलो आप कृष्ण कुमार जी।